बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। विधायक श्री मदन कौशिक एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने शनिवार को आर्यन नगर चौक ज्वालापुर में ONGC के CSR मद से प्राप्त सीवर लाइन की सफाई करने हेतु 32 लाख की लागत से निर्मित बर्डीकूट मेन होल क्लीनिंग रोबोट का पूजा अर्चना के बीच उद्घाटन किया। कार्यक्रम के अवसर पर विधायक श्री मदन कौशिक ने बर्डीकूट मेन होल क्लीनिंग रोबोट का उल्लेख करते हुए बताया कि कभी मेन होल के बाधित होने पर सफाई करने वाले कर्मचारी को मेन होल के अंदर जाना पड़ता था, इससे कई बार दुर्घटना होने का भी भय रहता था। उन्होंने कहा कि अब मेन होल की सफाई आदि का कार्य हरिद्वार में इस उच्च स्तर की तकनीक के माध्यम से होगा। उन्होंने कहा कि आज हरिद्वार को ONGC के CSR मद से नई तकनीक वाली मशीन बर्डीकूट मेन होल क्लीनिंग रोबोट प्राप्त हुई है, जिसे सीवर आदि का कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था जल संस्थान को विधिवत रूप से सौंपा गया है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने ONGC को धन्यवाद देते हुए बर्डीकूट मेन होल क्लीनिंग रोबोट के बारे में बताया कि इस मशीन को ऑटोमेटिक एवं मैन्युअली दोनों ही प्रकार से ऑपरेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब किसी को भी मेन होल के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें स्थापित मॉनिटर के माध्यम से मेन होल के अंदर की सारी गतिविधियां पता लग जाएंगी। उसी अनुसार मशीन को कमांड देकर मेन होल के अंदर की सफाई आदि का कार्य किया जाएगा। तो ये जो प्रथा है या फिर ये जो हमारा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है या नेसेसरी इविल होता है, इसको खत्म करने के लिए हमने इस मशीन को प्रोक्योर किया है। ये मशीन खुद ही ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करती है और ये मैनुअली भी ऑपरेट कर सकती है। तो अब किसी भी इंसान को मैनुअल के अंदर जाना है कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मशीन का प्रोक्योरमेंट हमने CSR के माध्यम से किया है। ONGC का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी वजह से मशीन आई। साथ में ये जो मशीन थी ये निर्माता है जनरल रोबोटिक्स वाले, जिन्होंने ये मशीन बनाई है जिसका नाम है बैंडीकूट, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी अच्छी पहल रही है। देश में कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे नगर निगम हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये मशीन इंस्टॉल्ड है, वहीं से हमने प्रेरणा ली, वहाँ से हमने फीडबैक किया किस तरह से मशीन काम कर रही है और उसके बाद हमने सोचा इसे हरिद्वार में भी इंस्टॉल कराया जाना बहुत आवश्यक है। अभी ये जो मशीन है मैं समझता हूँ करीब 1500 से 2000 मैनुअल आराम से फंक्शन कर पाएगी। 1500 से 2000 मैनुअल के लिए अगर उसमें हमारे यहाँ पे हरिद्वार में भी और ज्यादा हम इसमें काम प्रोक्योरमेंट करेंगे और जो जल संस्थान है जो कि मेन कार्यदायी संस्था है सीवेज को साफ करने के लिए, सीवेज को मेंटेन करने के लिए, सीवर लाइन चलाने के लिए, उनको हम लोग ये मशीन आज हैंड ओवर कर रहे हैं और उनको जो स्टाफ रहता है जल संस्थान का उनको हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। स्वयं बैंडीकूट के जो निर्माता एजेंसी है वही उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी ताकि सबको बड़ा आसानी से मशीन चलाना आ सके और फिर हम इसकी सक्सेसफुल लागत कितनी आई है इसकी लागत इतना 32 लाख की मशीन पड़ी है जो कि हमारे को ONGC के माध्यम से CSR से प्राप्त हुई। मैं पुनः ONGC का धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी महोदय का अच्छा नेतृत्व रहा जिन्होंने हमारे साथ बैठ के ONGC से डिस्कस किया और एक अच्छी पहल रही कि हमने इस मशीन पे फोकस करके जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको खत्म करने का निर्णय लिया। जरूर, जैसा मैंने आपको बताया आज माननीय विधायक जी महोदय के द्वारा हमने मशीन जनपद में जो जल संस्थान है उनको हैंडओवर करिए। अगर ये मशीन सक्सेसफुल होती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसे वैल्यूएट करेंगे और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी सक्सेसफुल रही है तो आशा है कि हरिद्वार में भी सक्सेसफुल रहेगी। अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो हम ऐसी मशीन और प्रोक्योर करेंगे ताकि सभी डिस्ट्रिक्ट के सारे मैनुअल्स हम इन मशीन के द्वारा ऑपरेट कर सकें। सफाई करते थे उसके लिए व्यक्ति को सफाई करने वाले कर्मचारी को अंदर जाना पड़ता था, इससे कई बार उनकी कैजुअल्टी होने का भी भय डर रहता था। आज हरिद्वार के लिए एक नई मशीन हमें प्राप्त हुई है। इस मशीन को हमने आज से विधिवत रूप से सौंपा है। इस मशीन के माध्यम से अब किसी भी सीवर के बड़े उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो मशीन के माध्यम से देखते हुए उसकी सफाई वहीं से हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी यहाँ। हरिद्वार से अपडेट मीडिया के लिए रणविजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।